किसान भाइयों, अभी मई का महीना चल रहा है और जो सब्जी के किसान हैं या जो किसान भाई सब्जी की खेती करना चाहते हैं और खेती करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। किसान भाइयों, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम पंकज तिवारी है और पंकज की किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल को मैं ही चलाता हूँ। किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र में पारंपरिक खेती धान, गेहूं, गन्ना की ही खेती ज़्यादा मात्रा में होती है। अगर 2-4% लोगों को छोड़ दिया जाए तो खेती से ज़्यादातर लोग दुखी ही हैं। जो लोग खेती कर रहे हैं वो खेती को मजबूरी में कर रहे हैं और नौकरी को बेहतर समझते हैं, और वो ना तो नौकरी कर सकते हैं, ना ही बिजनेस कर सकते हैं और ना ही खेती में ही कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आलसी हो गए हैं। दुनिया में सारी चीज़ें अपडेट हो गई और खेती ने भी अपने आप को बुलंदियों पर पहुंचाया है, लेकिन जो किसान बदलने के लायक थे, जिनके पास सारे संसाधन उपलब्ध थे, वो किसान भी अपने आप को बदल नहीं पाए। किसान भाइयों, में पिछले 6 साल से अपनी पैतृक ज़मीन में से केवल 1 एकड़ में सब्जी की खेती कर रहा हूँ, और जब हमने खेती की शुरुआत की तो हमें लोगों के द्वारा बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन हमें उसका कोई असर नहीं हुआ और आज हमारी सफलतापूर्वक 6 साल खेती को हो गए हैं। किसान भाइयों, जो नए किसान खेती करना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप चैनल पर 2-4 वीडियो देख लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे वह 5 प्रकार की सब्जियां कौन सी हैं जिसे आप 30 मई से पहले लगाकर लाखों में रुपया कमा सकती हैं। किसान भाइयों, नंबर 5 पर हमने जिस सब्जी का चयन किया है वो है मूली। मूली की अभी मई में खेती करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले आपका खेत ऊंचाई पर होना चाहिए, जहाँ पर पानी निकलने की समुचित व्यवस्था हो। नाली और मेड़ बनाकर आप मूली की बुआई करें। मूली का बाजार भाव जून से लेकर सितंबर तक बहुत ज़्यादा रहता है, इससे आप बहुत अच्छा रुपया कमा सकते हैं। किसान भाइयों, नंबर 4 पर हमने जिस सब्जी का चयन किया है वह है भिंडी। भिंडी किसान भाइयों, मई के महीने में यदि भिंडी की खेती आप करते हैं तो आपकी भिंडी बरसात में पैदावार देना शुरू करेगी। किसान भाइयों, बरसात में मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए रोग लगने की संभावना भी काफ़ी कम रहती है, और बरसात में भिंडी का बाज़ार भाव बहुत अच्छा रहता है, जिससे किसान भाइयों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बशर्ते आपका खेत ऊंचाई पर होना चाहिए और नाली और बेड बनाकर भिंडी की बुआई ज़रूर करें। किसान भाइयों, नंबर 3 पर जिस सब्जी फसल का हमने चयन किया है वो है सब्जियों का राजा, जो किसानों को बनाता भी है और बर्बाद भी कर देता है, उसका नाम है बैंगन। अगर बैंगन की नर्सरी अभी डालकर जून के प्रथम सप्ताह में बैंगन की रोपाई हो जाए तो जुलाई में बैंगन की तोड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। किसान भाइयों, जुलाई में लगभग सारी सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं, तब बाज़ार में बैंगन की शुरुआत होती है और उस समय बैंगन का भाव बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे किसान भाइयों को ज़बरदस्त फायदा होता है, और बैंगन पूरे साल तक चलने वाली फसल है, जिससे किसान भाई काफ़ी अच्छा रुपया कमा लेते हैं। किसान भाइयों, नंबर 2 पर हमने जिस सब्जी को रखा है वो सब्जी आपके खेत में फ्री में पैदा हो जाती है और आपको बरसात में बहुत अच्छा मुनाफा देती है, उसका नाम है कद्दू। अगर किसान भाइयों 30 मई से पहले आप कद्दू की खेती करते हैं तो जुलाई के अंत तक आपका कद्दू बाज़ार में जाने लग जाएगा, और उस समय कद्दू का बाज़ार भाव बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाने को मिलेगा। अब किसान भाइयों, नंबर 1 पर हमने जिस फसल का चयन किया है वो सलाद वर्गीय फसल है, उसका नाम है खीरा। किसान भाइयों, यदि आप 30 मई से पहले खीरा की बुआई करते हैं तो आपका खीरा जुलाई की शुरुआत में तोड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा, और उस समय बाज़ार में खीरा किसी के पास भी नहीं रहेगा, उस समय आपका खीरा बहुत ही अच्छे भाव में मंडियों में बिकेगा और बहुत ज़बरदस्त मुनाफा आपको मिलेगा। किसान भाइयों, जो यह 5 प्रकार की फसलों का वर्णन हमने इस वीडियो में किया है उसको हमने अपने तजुर्बे के आधार पर आपको बताया है। यदि आप इन सब्जियों की खेती करते हैं तो आपको ज़बरदस्त मुनाफा होगा, यह पंकज की किसान पाठशाला की गारंटी है।
किसान भाइयों, आज कुछ किसान भाइयों का जन्मदिन है जिन्होंने हमसे अपना नाम लेने का आग्रह किया था। हम उनका नाम लेते हैं। विवेक तिवारी अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं, साई चंद हैदराबाद के रहने वाले हैं, रामनाथ भदौरिया गुना हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।